महाराज कहते ने गाक गुनी अपार सो तत् पछानिए मित्र दे चित दी उपमा भेद नहीं पाया जा सकता, पर जेडे गुणा दे ग्राहक ने ओ इस गल दे भेदी हो जाते ने। महाराज ये दो गल्लां क्यों? एक पासे आप कह रहे हो भी एदा अंत नहीं पाया जा सकता, मित का चित अनूप सो मर्म ना जानिए, गाक गुनी अपार सो तत् पछानिए, जेडे गुणा दे ग्राहक ने रुखानी शब्द दे ग्राहक ने ओ इस गल नू पहचान जानगे, ओ तत् नू जान दे। अगे महाराज नू खोल दिया, कहिंदे चित्त है, मैं अर्ज कीती ए असी अखर बोले, चित्त है चित समाए दो वरी आया, उंज बाणी च ज्यादा एक वरी आउंदा, चित आवै ओस पार ब्रह्म असी पढ़ने, पर इत्थे दो आया, चित्त है चित समाए, इहदा अर्थ हो गया जेड़ा अपने मित्र दे चित विच अपने चित नू समा देंदा है। फिर बेनती है, चित्त है चित समाए, जेड़ा अपने उस मित्र दे चित विच अपने चित नू समा देंदा है। चित्त है चित समाए ता होवे रंग घना, उहदे अंदर सच एवे घना प्रेम पैदा हो जांदा है। हुण उह चित किहड़ा है जी? गुरमुखो सूझवान अर्थ दे करदे आ कि मित्र दा चित गुरु का शब्द है। फिर सुनियो, गुरु दा चित गुरु दा हिरदा गुरु का शब्द है। जेड़ा अपने चित नू गुरु दे चित भी समा देगा, जेड़ा अपने अंदर नू गुरु दे शब्द भी समा देगा, गुरु दे चित विच जो भी रूहानी खजाना है ओदे विच प्रवेश कर जाएगा, जेड़ा अपने चित नू शब्द भी समा देंदा है। इस नू मैं तां थोड़ी जी अर्ज कर लगा क्योंकि गुरबाणी एवें अखर ने, गुरमुखो अखर है ना, एवें में शब्द वरते हैं, मत समझो ए, 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 ए सिर्फ लिटरेचर है, नहीं गुरमुखो इस शब्द दे विच शब्द दा उचारण करता आप बैठा होया है, ये शब्द शब्द दा उचारण करता है। यही गल भाई नंद लाल साहब जी सतगुरां ने समझाई, जदों महाराज हजूर साहब सचखंड प्याना कीता ते उत्थे भाई साहब जी गए सन जी नाल, हाला उम्र करके भाई साहब जी हजूर तो वड्डे ने, उत्थे फिर सतगुरु जेडे बचन बिलास कीते, उस विच एक बचन कहे भाई साहब जी कहिंदे ने महाराज आप जी दे दर्शना लई, हजूर कहिंदे ने तीन तरह दे मेरे दर्शन ने, एक तन निराकार निर्गुण जिन्हों कहने, माया दे तीन गुणा तो उपर राजगुण तम गुण सत गुण निराकार, दूजा कहिंदे आ सरगुण शरीरक तौर ते भी महाराज सरगुण भी, ते तीसरा कहिंदे आ गुरु का शब्द। तिन्हां नूं सुनियो ध्यान नाल, महाराज कहिंदे तीन रूप है मोए के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुरु शब्द कहो तोहे समझाए, एक रूप त्यो गुण ते बरे नेत नेत जे निगम उचरे, एक रूप ओ है जिहड़ा तिन्ना गुणा तो उपर है, जिन्नू वेद भी सिमरतियां भी शास्त्र भी नेत 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 ने दर्थे ना इति, ओ इस तो अगे भी है जिन्नू अगम जिहड़े ने नेत ने कहिंदे ने। दूजा बचन करदे ने दूसर रूप ग्रंथ जी जान, मैं फिर रिपीट कर लगा, दूसरा रूप साडा गुरु ग्रंथ साहिब है, इनो अंग मेरो करमान, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द नू मेरा अंग जान, दूसर रूप ग्रंथ दी जान इनो अंग मेरो करमान, रोम रोम अक्षर सो लहो। भाई साहिब जी नू कहिंदे जिन्ने अखर ने जदों तू बाणी पढ़े बस इउं समझी ए लगा मात्रा ए जो कुछ लिखे है ए गुरु गोबिंद सिंह दा रोम रोम दे भी समाया होया है। एडी वड्डी गल कर दित्ती जी, रोम रोम अक्षर सो लहो बात जथार्थ तुम स्यो कहो। फिर अगे कहन लगे काम करियो प्रभात समय करके इशनान, अमृत वेले उठ के सिख इशनान करे, तीन प्रदक्षिणा करे सुजान। वैसे प्रदक्षिणा असी परिक्रमा कहने, प्रदक्षिणा एक शब्द होर वरत्या जांदा है प्रदक्षिणा परिक्रमा, उंज वैसे प्रदक्षिणा दा लफ्ज़ी अर्थ तुसी वेख्यो कोश विच इह है कि अपने इष्ट नूं सज्जे हथ रख के तुरना, दाएं तरफ रख के मारन तुरना, तीन प्रदक्षिणा करै सुजान। अगे फिर महाराज जी नूं पुछिया तीसरा,
फिर महाराज कहते तीसर रूप सिख है मोर, एक निर्गुण है एक गुरु शब्द है, तीसरा रूप मेरा सिख है, तीसर रूप सिख है मोर केड़ा सिख। महाराज कहते गुरबाणी रत निस अर भोर, जेड़ा दिन रात गुरु की बाणी विच रता रहिंदा ना उहदे चेहरे नूं देख ली मैं उहदे विचों तैनूं दिसांगा। हुण इह मैं अपने कोलों शब्द कोई नहीं कहा क्योंकि सिख रहत मर्यादा विच भाई नंद लाल साहिब जी नूं पढ़िया जा सकदा, गाया जा सकदा, उहनां दी व्याख्या कीती जा सकदी। तीसर रूप सिख है मोर, गुरबाणी रत निस अर भोर, जिहड़ा दिन रात बाणी रुचिया मैं फिर उस विचे ते आउण लगा। चित्तै चित समाए, अपने चित नूं गुरु दे चित वी समा दे। इहनूं समझण लई इक छोटी जी उदाहरण है, इह साडा मेरा वी तजर्बा, आप सब दा जिन्ने बैठे हो जिन्ने घरां सुणदे हो, जिस नाल साडा चित लगा है ना उह वैरी वी हो सकदा है, वह मित्र भी हो सकता है। फिर बेनती कह वह साढ़े तो तरातल के तौर पर दूरी पर भी हो सकता है, जिस नाल असी चित जोड़ी बैठे हाँ जो कुछ ओदी बॉडी ते वापरेगा ओदे तन ते वापरेगा वह साढ़े चित नूं प्रभावित जरूर करेगा। आप इत्थे बैठे हाँ तकरीबन साढ़े सारे पंजाब च हैं तो सारे बाहर ही ना, ते इहदे विच कोई शक भी नहीं। याद रखियो मैं इसनों नैगेटिव नहीं लेंदा, सारे तुर चले ने। बुद्धिज्म केवल भारत विच रहिंदा, इहदा नामो निशान मिट जाना सी, इत्थे तशद्दुद कीता मुल्कां दे मुल्क जिहड़े ने बोधी बन गए। अज गुरु गोबिंद सिंह दा परचम, गिनती साडी थोड़ी है, मैं इसनों नहीं कहिंदा सी फिरका प्रस्त नहीं कहिंदे, साडी गिनती बिल्कुल थोड़ी है पर इस थोड़ी गिनती विच सीना इन्ना विशाल है सारियां नूं अपने अंदर समाई बैठा। हुण देखो असी प्रदेश च बच्चे ने जां अपना कोई मित्र सज्जन साडे तो दूर है, आपां बिल्कुल ठीक हां, बुखार कोई नहीं, टैंपरेचर कोई नहीं, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर नहीं। मान लो कि किसी बच्चे नूं किसी बच्ची नूं मां प्यो नूं दूर बैठिया नूं कोई मुसीबत आ जाए शरीरक तौर पर, असी दवाई क्यों खाण लग पैंदे आ? ब्लड प्रैशर वध जांदा है। घर च इत्थे कोई घटना वापर जाए क्योंकि जिदे नाल मेरा चित जुड़िया ओदा दुख मेरे चित नूं प्रभावित जरूर करेगा। फिर सुनियो ओदी मान लो कोई खबर नैगेटिव मिल जाए, इको दम बंदा रोटी छड़ दिंदा है, कहिंदा नहीं नहीं मेरे घर च आ वापर गया, सब कुछ उहनूं भुल जांदा है क्योंकि जिदे नाल चित जुड़िया होवे ओदी खुशी ओदी गमी साडे चित विच प्रवेश जरूर करदी है। प्यारियो जिहदा चित गुरु नाल जुड़ जाए गुरु दे चित दी ताकत उहदे विच प्रवेश कर जांदी है। चित्तै चित समाए, अपने चित नूं चित नाल समा। पिछले दिनी जदों शीश गंज साहिब मैं कथा कर रहा सी उत्थे वखरी आनंद है। मैं अज भी कह रहा सा खेड़ा साहिब नूं बैठे सा, आ जिन्ना रावां ते तुसी लंघदे पए हो ना इह केवल इतिहासक तथ नहीं, सचमुच जिन्ना रावां तो गुरु लंघ गए ते जो कुछ वापरिया इत्थे वह एडिया वड्डिया घटनावां ने वह अगनोर करन वालियां नहीं। हुण सिख दा चित जुड़िया है, फिर सुनियो जिहदा चित जुड़िया है मैं गल कर लगा, फिजिकल तौर ते उहदा नुकसान भी हुंदा होवे ते चित दा मालक जिहदे नाल जुड़िया वह सामने होवे वह दुनिया च एक नवी खेड वरता दिंदा। भाई मती दास जी दा चित बाणी जुड़िया शब्द जुड़िया सारे सुनाने हैं गुरु, उन्हें कहा जी मेरा मूह गुरु चरणा वल कर दे, दो ही गल्लां कहियां ना गुरु साहब गुरु तेग बहादुर शरीर च ने, मेरा मूह गुरु तेग बहादुर जी वल कर दे। दूजी गल कही मैं जप पढ़ना चाहना, इस नुकते नूं सुनियो जेड़ा चित जुड़िया जिहदे नाल वह पिंजरे विच मौजूद है ते जेड़ा चित जोड़ के बाणी पढ़ रहा है ओदा फिजिकल शरीरक तौर ते उहनूं खत्म किया जा रहा है। जिहदे नाल चित जुड़िए याद रखियो उहने इन्नी कृपा वरता दित्ती उहने पिंजरे चो देखिया ते दोनां टुकड़ियां विचों जपजी दी आवाज आउण लग पई। फिर बेनती नूं बाबा जी ने वैसे पहले ही श्लोक किया, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार तकीन, कौ नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। जल को मीन, मच्छी तां बंदा खा गया जी, भुन के साड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिते,
पर मच्छी का चेतना असल च पानी नाल जुड़िया सी, वह बंदे दे पेट भी जाके भी पानी मंगदी पई है। मैं तुहानू बेनती की गल्लां ने रूहानी, हुण जे कोई लबोरटरी लिया के कहे जी सानू सिद्ध करके दसो, रूहानियत सिद्ध नहीं हुंदी हुंदी। मेरी फिर बेनती है, आप कहोगे जी फिर नहीं, आ तुसी श्लोक पढ़ो, रूप ना रेख ना रंग किछ, आ वेखो त्रहु गुण ते प्रभ भिन्न, ना उहदा रूप है ना रंग है ना उहदे साडी तरह रेख ने, साडी तरह फिंगरप्रिंट कोई नहीं उहदे, उहदियां अखां दा कोई निशान कुछ नहीं, आइडेंटिटी है ही नहीं दृष्टमान उहदी। रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रहु गुण ते प्रभ भिन्न, ते बंदा नास्तक हैगा जे है ही नहीं फिर लभदे किहनूं पायो। महाराज कहिंदे तिसै बुझाए नानका, ये समझ देंदा उहनां नूं, रूप कोई नहीं, रेख कोई नहीं, रंग कोई नहीं, रूप ना रेख ना रंग किस तरह गुण ते प्रपिन, तिसै बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न, सो प्रसन्न होवे ते ओ समझा देंदा जिहदा रूप रेख रंग कुछ भी नहीं पर है जरूर, तिसै बुझाए क्या है। मैं फिर बेनती करांगा अपना चित, जदों आप जी आपां सारे बाणी पढ़ने क्योंकि चित उड़दा बड़ा है ना, जो कुछ नहीं चेते हुंदा, जिस बंदे नूं जिहड़ी गल भली होवे ना, जिन्ना मर्जी कहे जे मैनूं चेते च नहीं आउंदी, सवेरे गुटका पड़े ते नाल ही दसन लग पैंदा मैनूं चेते आ गया जी, क्यों? क्योंकि चित जिहड़ा सब कॉन्शियस माइंड तड़फदा। उदों फिर बेनती करांगा अपने चित नूं शब्द विच जपजी साहिब पढ़िए, अपने चित नूं गुरु नानक साहिब दा चित बहुत विशाल है, उहदे विच अपने चित नूं मिलाइए, सुखमनी साहिब पढ़िए उहदे विच मिलाइए, ते जो कुछ बाणी च पिया है ना वो सिख दे चित विच प्रवेश कर जाएगा।